इसमें मैं रहीम, दिस इज़ खुर्रम अली, यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। आज आपको पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूज़ियम या फिर पाकिस्तान नेवी म्यूज़ियम भी कह सकते हैं, उसकी आपको सैर कराऊंगा, दिखाऊंगा। अच्छा, अगेन मैं आपको ये छोटी छोटी चीज़ें, कितनी गैलरीज हैं, कितने रकबे पे बना हुआ है, टिकट कितना है, टाइमिंग क्या, मैं ये सब नहीं दिखाऊँगा क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग ये सब हज़ार दफ़ा वीलॉग्स में देख चुके हैं। मैं आपको हमारी नेवी की जो वॉर मशीन है उसकी परफॉर्मेंस और हमारे हीरोज़ की कारकर्दगियाँ ड्यूरिंग द बैटल्स, वो सब आपको दिखाऊंगा। एज़ यूजल ये एक स्मार्ट और स्मॉल शॉर्ट वीलॉग होगा, आप इसको एंजॉय करेंगे और कमेंट्स में ज़रूर मुझे लिखें कि आपको कैसा लगा। सो लेट्स गो एंड लेट्स हैव फन। मेरे बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हैं ये ट्विन बैरल गन है, यानी डबल बैरल गन है, और ये 4.5 इंच की गन है, बड़ी मैसिव गन है। ये जहाज़ पे लगाई जाती है और 65 की वॉर में, जब हमारी जंग इंडिया से हुई थी, उसमें ये हमारा जो जहाज़ है बदर, उस पर लगाई गई थी। और इस गन ने ऑपरेशन सोमनाथ में जो इंडिया पे किया था, द्वारका पे हमला किया था, उसमें 50 फायर किए थे। अब आप सोचें, द्वारका का हलवा बना दिया था। तो इस गन की भी बड़ी खिदमत है, थैंक यू वेरी मच। ओके, ये मेरे बैकग्राउंड में जो आपको सबमरीन नज़र आ रही है, ये बहुत ही तारीखी सबमरीन है। इसका नाम है हिंगोर। ये एक्चुअली फ्रेंच डिज़ाइन एंड बिल्ड सबमरीन है, जो कि S-131 मॉडल की है। पाकिस्तान नेवी के लिए सबमरीन ने बहुत ज़बरदस्त खिदमत अंजाम दी हैं और हम सबको इस पर बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र है। एक्चुअली सबमरीन ने, हिंगोर ने, 1971 की जंग में इंडिया के दो जहाज़ों को शदीद नुकसान पहुंचाया, जिनमें से एक जहाज़ कुर्की को तो मुकम्मल तौर पर डुबो दिया था और दूसरा जहाज़ किरपन, उसे बहुत ही हैवीली डैमेज किया और वह जहाज़ यहाँ से भाग गया। ये वाक़ियात हैं 9 दिसंबर 1971। हिंगोर जो है ये एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है जो फ्रांस ने बनाई थी। मैंने सोचा आपको हिंगोर सबमरीन के अंदर भी ले चलता हूँ, आपको अंदर से दिखाता हूँ कि उस वक्त ज़िंदगी यहाँ कैसी थी और सबमरीन कैसी अंदर से। हिंगोर S-131, आइए। इस वक्त हम ये तारीखी हिंगोर सबमरीन के अंदर हैं। दोनों तरफ से वॉल्स आप देख रहे हैं, यहाँ कितनी कम चकने की कम जगह है, सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हैं। देखिए, यहाँ पर ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल है। सलाम है उन सेलर्स को जो यहाँ पर कई कई दिन, कई कई हफ्ते, महीने गुजारते हैं। लगाए ये टॉर्पीडो ट्यूब्स कहलाते हैं, जब टॉर्पीडो लॉन्च होते हैं ना, वो इन ट्यूब्स में डाल के और फिर दुश्मन पर हमला कर देते हैं। ये सारी ट्यूब्स हैं, देखिए इसमें 8 ट्यूब्स की कैपेसिटी है, इन सब टॉर्पीडोज फिट करके और फिर ये फायर कर दिए जाते हैं। अच्छा, अब आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये इंस्ट्रूमेंट जो है, ये किसी भी सबमरीन की आंखें होती हैं, यानी पेरिस्कोप। इसके थ्रू आप बाहर वाली दुनिया को देख सकते हैं, बाहर कौन से जहाज़ हैं, क्या हैं। इसको देखें, ये इस तरह करके ये नीचे आ जाती है और फिर यहाँ से आंखें लगा के आप बाहर देख सकते हैं कि क्या मूवमेंट है, जहाज़ आ रहे हैं, जा रहे हैं, किस जहाज़ को हिट कर रहे हैं या बाहर क्या हो रहा है। तो इसे कहते हैं आइज़ ऑफ एनी सबमरीन, पेरिस्कोप। ये सबमरीन के टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं जिससे सबमरीन किसी भी जहाज़ पर हमला करती है। ओके, ये जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये मैं मनोड़ा में नहीं हूँ, मैं नेवी म्यूज़ियम में हूँ। ये इसका रेप्लिका है जो इन लोगों ने यहाँ बना के रखा है, बड़ा खूबसूरत है, बिल्कुल वैसे ही लगता है। थोड़ी देर के लिए तो आदमी धोखे में आ जाता है कि मनोड़ा तो नहीं आ गया। पाकिस्तान नेवी का माइन स्वीपर है PNS मुजाहिद, जो माइंस जो दुश्मन बिछा देता है समंदर में, उसको ये डिटेक्ट करके वो तबाह करता है। बड़ी खिदमत होती है ऐसे जहाज़ों की। आपको ऊपर से भी दिखा देते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं ये जहाज।
टॉर्पीडोज को ये मैरीटाइम म्यूजियम का एक ओवरव्यू देता हूँ। देखिए ये ओरियन एयरक्राफ्ट खड़ा है, अटलांटिक भी कहते हैं इसे। ये माइन स्वीपर है पाकिस्तान नेवी का। ये मनोरमा का लाइट हाउस है। ये शिवरिंग ब्रिज है, आप चलते हैं तो थोड़ा थोड़ा हिलता है। एंड द ग्रेट एंगोर सबमरीन, ये मोहम्मद बिन कासिम को दिखाया हुआ है जब इन्होंने सिंध फतह किया था। ये जब काठियावाड़ के कोस्ट पे पीएनएस आईएनएस कुकरी को हैंगोर ने डुबोया था, ये उसकी पेंटिंग है। ये सी डाइविंग इक्विपमेंट और ड्रेसेस हैं, ये देखिए। ये नेवी का यूनिफॉर्म कॉर्नर है, ये सारी वर्दियाँ हैं जो हमारे नेवी के अफसरान और जवान पहनते हैं। अब ब्रेक वाटर है, ये देखिए। ये ऑयस्टर रॉक्स हैं, ये ऑयस्टर रॉक्स हैं, ये पोर्ट का हिस्सा है। ये मैंग्रोव्स हैं, ये पूरा फॉरेस्ट है मैंग्रोव्स का हार्बर के उधर। सेंसपेट काका पीर